खड़ी बोली हिंदी गद्य उद्भव और विकास। गद्य से पहले पद्य क्यों? प्रारंभ में गद्य का अभाव क्यों? विश्व की अनेक भाषाओं की तरह हिंदी में भी पहले पद्य का और फिर गद्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के बाद में आविर्भाव होने के कारणों को लेकर विद्वान एकमत नहीं हैं। पहला, प्रत्येक भाषा के साहित्य का आरंभ ही पद्य से होता है, अतः हिंदी में भी ऐसा होना स्वाभाविक है। संस्कृत में पद्य का ही महत्व था तथा प्रवर्ती भारतीय भाषाओं ने भी संस्कृत के इसी आदर्श का पालन किया, अतः हिंदी में भी गद्य का विकास नहीं हो सका। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जब किसी युग विशेष में जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकता परक यथार्थवादी वस्तुवादी एवं व्यावहारिक अधिक होता है तो गद्य को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जबकि इसके विपरीत जीवन में भावुकता तर्क शून्यता आध्यात्मिकता एवं काल्पनिकता की प्रतिष्ठा होने पर उसमें अभिव्यक्ति पद्य का माध्यम अपनाती है। ईसा की 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं सदी तक के समय को भारतीय इतिहास की दृष्टि से मध्यकालीन युग कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे बौद्धिकता तार्किकता यथार्थवादिता आदि के स्थान पर क्रमशः भावुकता अंधविश्वास काल्पनिकता की प्रतिष्ठा हो गई। अतः ऐसी स्थिति में साहित्यकारों का भी पद्य की ओर उन्मुख हो जाना स्वाभाविक ही था। आगे चलकर जब पुनः मुद्रण यंत्र के प्रचलन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आंदोलनों के उत्थान तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रसार के कारण जीवन में ज्यों ज्यों बौद्धिकता ज्ञान तर्क एवं चिंतन की प्रतिष्ठा हुई त्यों त्यों गद्य साहित्य का भी विकास होता गया। 19वीं सदी के पश्चात तो हिंदी में गद्य साहित्य की इतनी उन्नति हुई कि कुछ इतिहासकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल तक की संज्ञा देते हैं। अतः आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य के अभाव का सबसे बड़ा कारण विभिन्न परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन में बौद्धिकता के स्थान पर रागात्मकता दार्शनिकता के स्थान पर भक्ति भावना एवं यथार्थ के स्थान पर रक्षात्मकता दार्शनिकता के स्थान पर भक्ति भावना एवं यथार्थवादी का स्थान पर कल्पना की प्रतिष्ठा ने जाना है। अन्य कारणों में हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिक काल की सर्वप्रधान घटना रही है गद्य का विकास। इस प्रमुखता के कारण ही यह युग गद्य काल माना जाता है। संसार की सभी भाषाओं के साहित्य में पद्य ही आरंभ से चलन में रहा और गद्य का आविर्भाव बहुत बाद में हुआ। इसका एक सार्वजनिक कारण यह रहा और यह भी आरंभ में मनुष्य में मस्तिष्क पक्ष अपेक्षा हृदय पक्ष अधिक प्रबल रहा। मन पर हृदय और बुद्धि पर भावना हावी रही। इसके अतिरिक्त मानव में सौंदर्य प्रेम की प्रकृति सनातन एवं चिरंतन है। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति जितनी पद्य में संभव है उतनी गद्य में नहीं। मानव की संगति के प्रति नैसर्गिक रुचि ने भी पद्य के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रारंभ में मानव के भाव सरल और तरल होते थे, उनमें किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं होती। परिणामतः उनको अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य आसानी से हो जा सकता है। सभ्यता और विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ मानव के विचारों में गहनता जटिलता और नाना प्रकार की समस्याओं का समावेश स्वतः होने लगता है। इस प्रकार के नाना सभ्यता संकुल जटिल विचारधारा के वहन की क्षमता पद्य में न होकर गद्य में ही संभव है। गद्य के बाद के आविर्भाव का कारण यह भी है कि मुद्रण कला के अभाव में वक्तव्य वस्तु को स्मृति पटल पर सदा बनाए रखने में पद्य जितना सहायक हो सकता है उतना गद्य नहीं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य की स्थिति। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य प्रायः अविकसित रहा, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका सर्वथा अभाव रहा है।
वस्तुतः पूर्ववर्ती युग के हिंदी गद्य की भाषा की दृष्टि से मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा मैथिली गद्य, तीसरा ब्रजभाषा गद्य, चौथा खड़ी बोली का गद्य। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला राजस्थानी गद्य। हिंदी गद्य का प्रथम निदर्शन राजस्थानी भाषा में 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उपलब्ध होता है, 12वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उपलब्ध होता है। इस काल की राजस्थानी गद्य रचनाएं हैं आराधना 1273 ईस्वी, अतिचार 1283 ईस्वी, बाल शिक्षा 1279 ईस्वी उल्लेखनीय हैं। मैं रचनाएं जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित हैं। 14वीं 15वीं सदी में रचित अनेक राजस्थानी गद्य रचनाएं भी अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित हैं। इनमें से तत्व विचार एवं धनपाल कथा उल्लेखनीय हैं। 14वीं सती 15वीं सती की एक रचना पृथ्वी चंद्र चरित्र भी है। राजस्थानी गद्य की एक सुदृढ़ परंपरा ऐतिहासिक एवं काल्पनिक गद्य कथाओं के रूप में मिलती है। इन कथाओं के तीन प्रकार हैं, वचनिका, ख्यात और बात। इनमें शिवदास द्वारा रचित अचलदास खिचीरी वचनिका 1425, खिरिया जग्गा रचित वचनिका राठौर रतन सिंह जीरी 1668 ईस्वी, नयन सिंह रचित मुहूर्त नैणसीरी ख्यात 1665 ईस्वी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शासकों के दान पत्रों, पट्टे, परवानों और उनके द्वारा दी गई सदनों में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। इस संदर्भ में महाराज पृथ्वीराज राठौड़ और चित्तौड़ के रावल, समर सिंह के दान पात्र आदि प्रमुख रूप में उपलब्ध हैं। 17वीं सदी में राजस्थानी में टीका शैली के गद्य की भी रचना की गई। 1626 में लिखित बेली कृष्ण रुक्मणीरी उदाहरण स्वरूप 18वीं 19वीं सदी में राजस्थानी गद्य का और परिष्कार हुआ। गद्य रचना 20वीं सदी में भी हुई, किंतु खड़ी बोली के सार्वभौमिक प्रयोग राजस्थानी गद्य को उसी प्रकार धूमिल कर दिया जैसे ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि के गद्य रूपों को। राजस्थानी गद्य की विशेषताएं। राजस्थान का अधिकांश गद्य साहित्य या तो जैन मंदिरों में रचित है या राजपूत नरेशों के आश्रय में रचित, अतः दोनों प्रकार के आश्रय में इसे पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ। धर्माश्रय में रचित गद्य साहित्य सर्वत्र ही धर्म से प्रेरित नहीं है। अनेक जैन मुनियों ने शिक्षा देने के साथ साथ कलात्मक दृष्टि से लक्ष्य से भी गद्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं, अतः उनमें पर्याप्त साहित्यिकता मिलती है। राजस्थानी गद्य रचनाओं की भाषा शैली के संबंध में यह बात ध्यान देने की है कि उसमें विभिन्न रचनाओं में काल भेद एवं स्थान भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं। अतः राजस्थानी गद्य के 13वीं सदी से लेकर अब तक के विकास क्रम का अध्ययन अविच्छिन्न रूप से किया जा सकता है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी राजस्थानी गद्य साहित्य का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। उसमें धर्म, राजनीति, लोक, वार्ता आदि अनेक विषयों का समावेश हुआ है। वस्तुतः यह खेद की बात है कि इसकी विपुल सामग्री अभी तक उपेक्षित है।